अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक लाया गया है, इस समर्थन में हम खड़े हैं, परंतु इसमें जितनी बातें कही गई हैं उसमें से एक बिंदु पर मुझे कुछ सरकार से जानकारी लेनी है। वैसे भाग से या सौभाग से कहिए, जो भारत का जो मध्य भाग है, यहाँ जनजातियाँ बहुत अधिक मात्रा में रहती हैं, संख्या में रहती हैं, बहुल क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में जितने भी खनिज पदार्थ मिलते हैं, आज तक का ये इतिहास है कि जब भी इस तरह क्षेत्र में कोई विकास का काम, चाहे माइनिंग का हो चाहे इंडस्ट्री का हो, उस क्षेत्र की जनजातीय आबादी को विस्थापित किया गया है। विस्थापित होने के बाद न राज्य सरकार चिंता करती है, न केंद्र सरकार चिंता करती है, नतीजा ये हुआ कि कल तक जो जमीन का मालिक था, विस्थापित होने के बाद रास्ते पर घूम रहा है, और इससे उस क्षेत्र में असंतोष बहुत बढ़ती है। अगर हम ये अतिरिक्त ना हो तो हम ये भी कहेंगे कि आज जो उस क्षेत्रों में उमावादी का प्रभाव बढ़ा है, कारण ये एक है, कई कारणों में से ये भी एक है कि असंतोष बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि 24 के अंत में जो सातवां है, टू सेटल रिहेबिलिटेशन एंड क्लेम इश्यूज फास्टर सो दैट लैंड आउटसाइड द माइनिंग एरियाज कैन बी यूज्ड बेनिफिशियली फॉर द लोकल पीपल्स। ये तो कहा गया है, बात तो अच्छी है, परंतु आज तक इस दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों में कोई भी काम हुआ नहीं। हम उदाहरण देंगे, चाहे भिलाई का हो, चाहे राउर विस्थापित होने के बाद लोगों की ये स्थिति हो गई है कि वो दर दर काम के लिए भटक रहे हैं। अब इस समय चूंकि अब निजी क्षेत्र के लोग भी आएंगे, उनको भी दिया जाएगा ऑक्शन के आधार पर, सरकार जब नहीं कर सकी तो ऐसी स्थिति में ये निजी क्षेत्र के लोग आएंगे तो कितना चिंता करेंगे, उसके लिए कोई कानून इसमें कुछ प्रावधान आगे होगा कि नहीं होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र के लोग विस्थापित होते जाएंगे, धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या भी घटेगी, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे पता नहीं। और दुर्भाग्य से अपने देश में ये है कि एक राज्य में जो जनजातीय माने जाते हैं, दूसरे राज्य में चले गए तो उनको आदि जनजातीय सूची में रखा नहीं जाता, धीरे धीरे उनकी संख्या भी घट रही है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि जब विस्थापित होंगे तो उन लोगों की रहने के लिए, उनके रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार के पास विशेष रूप से किस तरह का प्रावधान रखने वाले हैं, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। उजड़ते जाएंगे, गरीबी बढ़ते जाएगी, अशांति बढ़ते जाएगी, ऐसा ना हो कि कभी ये स्थिति ऐसी विस्फोटक हो जाए कि उस क्षेत्र में काम करना कठिन हो जाए। आज भी कठिन है, मध्य प्रदेश का बस्तर जिला है जहाँ लोहे के बहुत बड़े खान हैं, आज क्या स्थिति है सब जानते हैं। उसी तरह से कल उड़ीसा के भाई लोगों ने, हमारे सांसद ने कहा, सतपति जी ने, कि कंधमाल की बात है, जब घटना घटी तब कंधमाल चित्र में आया, उसके पहले आज तक कंधमाल उड़ीसा में है कि नहीं है, वहाँ लोग कंधमाल के जनजाति रहते हैं कि नहीं रहते हैं कोई पता नहीं। तो क्या आदिवासियों को अपने जमीन के एवज में कुछ अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए लाठी डंडा निकालना पड़ेगा क्या? ये एक विकट परिस्थिति पैदा हो रही है, इस परिस्थिति को भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए, और इन विस्थापित उस क्षेत्र के जब होंगे लोग, उनकी विशेष रूप से पुनर्वास के दृष्टिकोण से कोई योजना ठोस बनानी चाहिए, तब ये समस्या का समाधान होगा। अन्यथा अशांति बढ़ेगी, लोगों में असंतुष्ट होगा, और इस तरह से अशांति बढ़ेगी तो फिर हम लोग कहते हैं कि विकास करना है आगे तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। नारा तो बहुत बढ़िया है कि सबका साथ सबका विकास, परंतु मेरे जो मुझे शंका है कि सबका विकास, परंतु जिनकी जमीन जाएगी, जो विस्थापित होंगे, उनका विकास होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है,
उनके लिए क्या आपने प्रावधान रखा है, उनको उनकी समस्या को समाधान करने के लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है कि सबका विकास हो तो बाकी लोगों का भी विकास हो, तो इन विस्थापित लोगों का भी विकास कैसे हो सकता है, इसकी भी सरकार को इस विधायक के साथ साथ चिंता करनी चाहिए। आज तक इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उससे सरकार को कुछ नए अनुभव प्राप्त करके कुछ रास्ता निकालना चाहिए, और तभी जो 10 करोड़ है, 10.5 करोड़ आबादी की जनजातियों की है, जो मूलतः इसी क्षेत्र में रहते हैं, आसाम से लेकर कच्छ तक इस क्षेत्र में, और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज पदार्थ हैं, ऐसी स्थिति में उनकी विशेष चिंता करनी चाहिए, सरकार से मेरा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ आप बहुत बहुत धन्यवाद।